ये बीच ढोकले में की की बात प्लेट की है, जाए तो चौड़ा रास्ता में इसमें अग्रवाल के ढोकले का तो क्या ही कहना। सिकी हुई राई डलती इस है सबसे वीडियो में पहले तो, हम आपको दिखाएंगे कैसे भैया ढोकले को बनाते हैं। फिर गाइस आपने देखा उसका हमारे लिए ढोकले की प्लेट लग चुकी है, मजा आ जाएगा। कहते हैं कि खमन ढोकला है टेस्टी, पढ़ा लिखा MST, मजा ना आए खाने में तो रिपोर्ट लिखाओ थाने में। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल बर्निंग स्पाइसेस में। आज मैं आया हूँ चौड़ा रास्ता पे और यहाँ ट्राई करने वाला हूँ जयपुर का फेमस अग्रवाल का ढोकला, जो आपको देखा गुजराती ढोकले जैसा स्वाद। मैंने तो कभी ऐसा ट्राई नहीं किया जो मुझे इतना टेम्पटिंग ढोकला, जो मुझे ढोकली क्रेविंग को सेटिस्फाई कर सके, इसलिए मैं स्पेशली इनकी शॉप पे आया हूँ। इनका नाम है मोहनलाल जी। तो नमस्ते भैया, अपने बारे में बताइए, कब से आपका ये कॉन्सेप्ट रहा, कैसे कैसे शॉप आप शॉप पे आए? चक्कर ये सर, मैं तो आज से कम 10-15 साल से लालजी सांड के नुक्कड़ पर ठेल लगाता हूँ। अच्छा। और वहाँ से लेकर के फिर मैंने यहाँ ऊपर ताड़केश्वर बाबा की कृपा से मैंने यहाँ दुकान दी है किसी ने, तो मैं नौकरी कर रहा हूँ यहाँ। ओके। तो मेरी दुकान ही समझो सर। ओके ओके। तो ये है कि खमन ढोकला जयपुर का फर्स्ट नंबर है ये। ओके। जैसे आपको भरोसा नहीं है तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए, इतना खमन ढोकला, इतना स्पंज वाला खमन ढोकला बहुत ही कम बैठता है। ओके। इसलिए इसको किस हिसाब से ही दबा के देख लो। हाँ। ये फुल टेस्टी है, ये देखो इसमें बिल्कुल पानी नहीं निकल रहा, इसमें पानी का तो कम ही नहीं है। ओके ओके। और इसको सूखे खमन ढोकला को आप 20 घंटे के बाद भी खा सकते हो, इसका शिकंजी अलग मिलती है। ओके। और इसको चाहे जब डोबो, जब भी 5 मिनट के अंदर तैयार है। Okay. अनार धनिया राई वगैरह इसमें डलती है सारी चीजें, मिर्ची अचार की मिर्ची भी डलती है। ये 20 रुपए की प्लेट है, इसमें सिकी हुई राई डलती है सबसे पहले तो, फिर इसमें ये चटनी डलती है, फिर इसमें आ गया ये हरा धनिया, फिर आ गया इसमें अनार का दाना, और ये चम्मच, ये फ्राई की हुई मिर्ची है। ये 20 रुपए की प्लेट है बाबूजी, मैं बताऊं आपको आप लेते हुए। Okay. कहते हैं कि खमन ढोकला है टेस्टी, पढ़ा लिखा MST, मजा ना आए खाने में तो रिपोर्ट लिखाओ थाने में। गाइस आपने देखा हमारे लिए ढोकले की प्लेट लग चुकी है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताऊंगा, इन्होंने जो जो डाला वो सब आपको वीडियो में मिल जाएगा। अब हम मैं करूंगा सीधा इसका रिव्यू कि क्या इसका टेस्ट रहता है, क्या अपनी इसको जस्टिफाई करता है, तो चलिए साथ मिलकर ट्राई करते हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट बाइट। आप देख सकते हैं कि किस तरह ढोकले के ऊपर चटनी और अनार के दाने पूरी तरह से बिखरे हुए हैं। सबसे पहले फ्लेवर आया मेरे मुंह में धनिया का, और धनिया ऊपर से डला है, प्लस चटनी का जो स्वाद है ना, आउटस्टैंडिंग बॉस। ढोकला इतना स्पंजी मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं खाया। आप ये देख सकते हैं मिर्चा, इसे टापोरे कहते हैं। यूजली आप कहीं चले जाइए स्ट्रीट फूड में, वहाँ मिर्चा आपको स्पाइसीनेस देखने को मिलेगी, बट यहाँ ऐसी स्पाइसीनेस आपको देखने को नहीं मिलेगी। और ये मैं खाने वाला हूँ पूरी। इसमें जो बेसन और मसाले भरे हो ना, इतने स्वादिष्ट हैं और इतने नॉमिनल क्वांटिटी में हैं। जैसे कई बार मिर्चा, जब हम भरवा मिर्चा बनाते हैं उससे मसालों का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, इसमें पूरी बैलेंस, पूरा मात्रा, प्रॉपर मात्रा में डाले गए, जिससे वो स्वाद है ना बहुत टेस्टी दे रहा है। और अब मैं ये बड़ा पीस ढोकले का, वैसे तो ढोकले कोई बड़ा पीस तो है नहीं, भैया ने सारे कटिंग कर रखे हैं, फिर भी मैं इस अपने अकॉर्डिंग एक बड़ा पीस देख लेता हूँ और उस पर सब कुछ डाल के ट्राई करके बताता हूँ। बिल्कुल ड्राइनेस, ना मात्र पानी, और उसे बिल्कुल डिफरेंट ढोकला आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ के ढोकले में खासियत ऐसी है कि यूजली आप कहीं चले जाइए ढोकला, वहाँ आपको प्लेन दे देंगे और पानी उसमें भरा होगा, बट यहाँ पे चटनी, मिर्चा और अनार तीनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो ये तो हुआ मेरा रिव्यू फिनिश, अब
करते हैं अपने ढोकले को फिनिश। तो गाइस मैंने तो कर लिया अपना ढोकला फिनिश, और ढोकले को लेके मेरा एक्सपीरियंस वाकई में बहुत आउटस्टैंडिंग था। अगर आपको भी ऐसा ढोकला ट्राई करना है तो शॉप का नेम और एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में देख दूंगा, फिर भी आप देख सकते हैं अग्रवाल ढोकला चौड़ा रास्ता पे है, और बहुत टेस्टी ढोकला है इनका, स्पॉन्जी ढोकला, और इसको कहते हैं शायद पढ़ा लिखा ढोकला भी है, किसी का नाम है। बिल्कुल पढ़ा लिखा ढोकला है। वाह वाह। तो गाइस अब हो गया वीडियो ख़त्म करने का वक्त। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू।